नाजरीन आदाब, यह है महनाज केबल नेटवर्क। आप देख रहे हैं पुंछ विजन चैनल, पुंछ विजन चैनल के खसूसी प्रोग्राम पुंछ। आज में आपका खैर मकदम है, मैं हूं आपका मेजबान मोहतशिम एहतिशाम। डालते हैं पुंछ आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। पुंछ में आज दूसरे रोज भी दफा 144 राहत नाफिस, जगह जगह रुकावटें, अवाम कई तरह की परेशानियों से दो चार। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने की पुंछ आज से बात, अवाम से जिला में अमन अमान की सूरत हाल बनाए रखने में हिफाजती अमलों और जिला इंतजामिया का ताउन करने की अपील। जिस तरह से उन्होंने अभी तक हमारी मदद की है इस पूरे जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट को पीसफुल बनाए रखने में, इसी तरीके से वो मदद करें। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो फौरी तौर पर जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, जो आस पास उनके जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। राज्यसभा के बाद आज लोकसभा में भी होम मिनिस्टर अमित शाह ने रियासत जम्मू कश्मीर के खसूसी आर्टिकल 370 की मनसूखी का बिल किया पेश। या उसके अनुसांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को राज्यसभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाए। महोदय, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूँ, कल इस सदन भारतीय जनता पार्टी और उनकी हमायती पार्टियों ने लोकसभा में की पेश किए गए बिल की तायीद, कहा वो इस बिल से हैं बहुत खुश। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर को जोड़ा, मैं ये कहता हूँ कि अब अगला काम यही बचा है हमारा, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को किस प्रकार भारतीय जनता। लोकसभा में हिजबे इख्तलाफ कांग्रेस और दीगर जमातों की जानिब से दफा 370 की मनसूखी को गैर आईनी और गैर जमहूरी करार दिया गया, बिल की गई मुजम्मत। इसके पास होने में इसके भागीदार नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम सदन का बहिष्कार। बी पार्ट ऑफ दिस बिल एट ऑल, वेदर बाय सपोर्ट और बाय अपोजिंग, वी तृणमूल कांग्रेस वॉक आउट फ्रॉम दी पार्टी, रिजेक्ट दिस बिल। I would also request the Home Minister, would he accept a request from my party to lead or to conduct or to organize? Lok Sabha mein Dr. Farooq Abdullah ke hazir na hone par uthaye gaye sawal, Amit Shah ne kaha Dr. Abdullah theek hain, wo khud apni marzi se nahi hue shamil. Tabiyat theek nahi hoti hai to chhodte nahi, hospital le jaate. तबीयत ठीक नहीं होती है तो वो बाहर नहीं आते। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी सरकार के फैसले ने जम्मू और कश्मीर के आवाम के दिलों को किया है मजरूह। होम मिनिस्टर अमित शाह की लोकसभा में दी गई बयानबाजी की तरदी। आई थिंक दिस इज द प्राइस वी कंटिन्यू टू पे मेक इंडिया डेमोक्रेटिक, टू मेक इंडिया सेक्युलर। वहां पे ऐसी सभा में हमारे होम मिनिस्टर साहब झूठ बोले, ये मैं जो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने पर गुलाम नबी आजाद का बयान, कहा लद्दाख के एक तबका की मांग पूरी की गई है तो दूसरे तबका के हुकूक का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा गया। स्टेट है, दिल्ली है, महाराष्ट्र, लेकिन कोई आप स्टेट नहीं है या जगह नहीं है जिसका हिंदुस्तान या भारत कोई जगह होगा। इसी तरह से कश्मीर कोई जगह नहीं है, कश्मीर इज ए रीजन। इसी तरह से लद्दाख कोई जगह नहीं है, लद्दाख इज ए रीजन। और लद्दाख में दो डिस्ट्रिक्ट है, एक है ले डिस्ट्रिक्ट विच इज बुद्धिस्ट मेजोरिटी, दूसरा है कारगिल डिस्ट्रिक्ट विच इज मुस्लिम मेजोरिटी। और मुस्लिम मेजोरिटी ले वाले लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने जाने पर कारगिल की आवाम ने की मुजम नुकसान है। हमको ये आर्टिकल के बारे में जो है इस पर आर्टिकल को रख के अगर कुछ जो है स्टेप उन्होंने लिया है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। काट के जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन